देखिए, अगर जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आया है कि वो मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा साहब से मिलने के लिए गए और उनकी बात को नहीं सुना गया, जब बात को नहीं सुना गया तो अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे भारत राष्ट्र को सच्चाई उन्होंने बताने का जो ये साहित्यिक कार्य किया है, तो अगर इंटरनली मैटर उनका निबट जाता तो मुझे लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक मामला का पूरा जो ये मतलब जो भी हुआ है अंदर, वो आज पूरे भारत राष्ट्र के एक एक नागरिक के सम्मुख आ चुका है। और जैसा आपने बताया कि भारत के इतिहास में, जुडिशरी के इतिहास में, ये पहला मौका है कि इस तरीके से भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में चार जजों ने, जो कि उनके समतुल्य हैं, उन्होंने इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस करके, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया, अंतर आत्मा की आवाज़, अगर हम नहीं मुद्दों को उठाते हैं तो हमें इतिहास माफ नहीं करेगा, लोकतंत्र खतरे में, ये ऐसे सवाल है जो पूरे भारत राष्ट्र को प्रभावित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अब आंतरिक मामला तो हमको नहीं लगता है, ये तो पूरे भारत राष्ट्र के सम्मुख जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है, सीनियरिटी के हिसाब से अगर केसों का आवंटन नहीं किया जा रहा है और अपने ही खुद के मामले को खुद चीफ जस्टिस सुनने की बात जैसा बताया गया, अगर ये सच है वो खुद ही मार कर रहे हैं, अपने चहेते जजों को मार कर रहे हैं, तो ये तो जुडिशरी के प्रति सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पुणे में आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये मामला काफ़ी गंभीर है और ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और दोषी जो लोग पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इतना इसको तुल क्यों दिया जा रहा है, इसका इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? आपने तो विदेशों की भी यात्रा की है और विदेशी पार्लियामेंट में भी आपने बोला है, जब वहाँ जो जजमेंट, वो जो जजमेंट देने के बाद में बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कैसा है विदेशों के अंदर कि अपना जजमेंट सुनाने के बाद में या मतलब जज जो है वह पीसी कर देते हैं, विदेशों में ऐसा होता है? देखिए, हर देश का अलग अलग कानून है, भारत का जो संविधान है वो अलग है, अमेरिका का संविधान अलग है, यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलग है, हर हर जगह हमारे देश में एक अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, तो उसी आज़ादी का संविधान के उस व्यवस्था का उन्होंने प्रयोग करते हुए अपने मन की बात जो उन्होंने महसूस की वो दुनिया के सामने, देश के सामने रखी है। और मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत जजों को ये अधिकार है कि वो भी अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकते हैं, शायद उन्होंने उसी अधिकार का प्रयोग करके अपनी बात को पूरे देश की जगह के सम्मुख रखा है।